कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। और साथियों, देशवासियों का ये भरोसा सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है, ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है। ये विश्वास लंबे कालखंड के परिश्रम के पैदावार है, और इसलिए देश का सामान्य मानव याद करता है। जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गांवों में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तब भरोसा मजबूत हो जाता है। जब यह तय होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोल पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे, मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है, आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। हमारे कौन लोग वंचित थे इन व्यवस्थाओं से, कौन पीछे रह गए थे, समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे, मेरे दलित, मेरे पीड़ित, मेरे शोषित, मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, वही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे। हमने अनेक ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिणाम हमारे इन सारे समाज के बंधुओं को मिला है, हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया, आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था, G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है, और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज जब फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। साथियों, हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना के वो संकट काल, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में, यही देश है जो कभी आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे, जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है,
आत्मविश्वास से भरा हुआ है। साथियों, इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है। रिफॉर्म की परंपरा को सामर्थ्य दिया गया है, नक्कर तरीकों के नक्कर लक्ष्य को लेकर के, और जब राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो, जब सरकारी मशीनरी उसको लागू करने के लिए समर्पण भाव से जुट जाती है, और जब देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूले कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दे, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए, पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें, लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम, ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है, अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेक विध रिफॉर्म्स किए, और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुने मजबूत बैंक के हैं
उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों, दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है, आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है, आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई है, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मारने के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की, स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की पीढ़ियों को तोड़ करके निकले हैं। आज
टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है, 10 करोड़ नई बहनें। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती है, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं, भारत का नाम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहने लखपति दीदी बनती है। मेरे लिए ये भी उतना ही गर्व की बात है। अब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेकविध कामों को बढ़ावा रहे। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें, स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं, जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं, वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश में नए अवसर बने, तब मैं कह सकता हूं 2 चीजें और हुई जिसने विकास को एक गति दी है, विकास को एक नई छलांग दी है, और ये है, पहला है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान्य मानव के जीवन में जो बाधाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है।
पिछले एक दशक में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, गांव गांव नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण चलता हो, 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हो, 2,00,000 पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा हो, 4 करोड़ पक्के घर बनना, गरीबों को एक नया आश्रय मिलना, 3 करोड़ नए घर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो, हमारा पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट उसका इलाका आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाना लगा है। और हमने ये जो कायाकल्प किया है उसका सबसे बड़ा लाभ समाज के उन वर्गों तक हम पहुंचे हैं जो ग्रामीण सड़कें वहां बनी है जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था, जिस इलाकों को नहीं देखता था, जिन गांवों को नहीं देखता था, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, जंगल में रहने वाले हो, दूर सुदूर पहाड़ों में रहने वाले हो, सीमावर्ती स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है। हमारे मछुआरे भाई बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करना, हमारे पशुपालकों के जीवन को बदलना, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास का प्रयास हमारी नीतियों में रहा, हमारी नीयत में रहा है, हमारे रिफॉर्म में रहा है, हमारे कार्यक्रमों में रहा है, हमारी कार्यशैली में रहा है। और उस सबसे सबसे बड़ा लाभ मेरे युवाओं को होता है, उनको नए नए अवसर मिलते हैं, नए नए क्षेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाएं बन जाती है, और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इन्हीं समय में उनको मिला है। हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो स्वाभाविक उसकी अपेक्षा रहती है, वो देश के लिए बहुत देता है, तो देश का भी दायित्व है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो उसकी अपेक्षाएं हैं, सरकार की कठिनाइयों से मुक्ति की उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विकसित भारत का सपना होगा तो उसकी एक इकाई ये भी होगी कि सामान्य मानव के जीवन में सरकार की दखलें कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव न हो और जहां सरकार की बेकारण प्रभाव भी न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पर हम प्रतिबद्धित हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम जरूरत छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देते हैं, हम छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं, चाहे हमारे गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब की माँ को कभी आंसू पी करके सोना न पड़े, और इसके लिए मुफ्त इलाज की योजना हमारी चल रही है, बिजली पानी गैस अब सैचुरेशन के मूड पर है, और जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो 100% होता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन होता है तो उसमें पांथिकता का रंग नहीं लगता है, जब सैचुरेशन का मंत्र होता है तब सच्चे अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार होता है, लोगों के जीवन में सरकार की दखल कम हो, उस दिशा में हमने हजारों कंप्लायंसेज के लिए सरकार सामान्य मानवी पर बोझ डालती थी, उन सारे कंप्लायंसेज को दूर किया, हमने देशवासियों के लिए 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े, हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए, हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। आज हमने जो आजादी के विरासत की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं पर नागरिक को न्याय इस भाव को हमने प्रबल बनाया है, ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करें, हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं
मैं जनप्रतिनिधि, वो किसी भी दल के क्यों ना हो, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, सबसे आग्रह करता हूं कि हमें एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है, आप उसके सॉल्यूशन को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखते रहिए, सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं पक्का मानता हूं आज सरकारें संवेदनशील है, हर सरकार, स्थानीय स्वराज्य की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, उसको तवज्जो देगी। गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए, नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था, मुझे मिला नहीं, उसको खोजना ना पड़े। सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूती चाहिए। आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे